नमस्कार मंडल, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सब लोग का स्वागत है दोस्तों। सो ये लॉकडाउन के पीरियड में आप सब लोगों ने इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, ये सब आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया होगा। उसके साथ यूट्यूब चैनल बहुत सारे देखे रहेंगे आप लोगों ने, नेटफ्लिक्स की सीरीज़ बहुत सारे देखे रहेंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे देखे नेटफ्लिक्स की सीरीज़। अभी लॉकडाउन के पीरियड में क्या करने का, इसलिए नेटफ्लिक्स की सीरीज़ बहुत सारे देख लिए। उसके बाद बहुत सारे गेम खेले रहेंगे आप लोगों ने, और अच्छे अच्छे रेसिपीज आप बनाते रहेंगे घर बैठ बैठ के। और क्या करने का, ये सब होते हुए एक बड़ी सी बड़ी न्यूज़ निकल के आई, तो अपने इंडियन कंपनी को 1,52,000 करोड़, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 1,52,000 करोड़ इतना इन्वेस्टमेंट मिला है। तो कौन सी कंपनी है और इतना इन्वेस्टमेंट कौन से कंपनी ने दिया है, इसके बारे में थोड़ा कुछ आप लोगों को शेयर करने वाला हो, तो आप लोग वीडियो एंड तक देखो। तो मैं आज बात करने वाला जो कंपनी के बारे में, 14 जुलाई को एनुअल मीटिंग हुई थी जो कंपनी की, तो उसमें बड़े बड़े डिसीजन लिए गए हैं, उसके बारे में कुछ बातें आप लोगों से शेयर करने वाला। पहली बात, मतलब जियो ने 5G, मेड इन इंडिया 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाली है। Jio's Made in India 5G technology is all set to transform the lives of citizens, society and businesses. Last but not the least, blazing fast internet speeds on mobile will be delivered on 5G, redefining the digital lifestyle of customers. So second baat, matlab hum log jo virtual meeting attend karte the like Zoom jaise app, uske sath Jio company ne Jio मीटिंग करके ऐप लॉन्च कर दिया है, मतलब वो मार्केट में आ चुका है। थर्ड, मतलब जियो टीवी तो पहले से चल रहा है, लेकिन जियो टीवी प्लस में बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐड हो चुके हैं, लाइक यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, जी सिनेमा, हॉटस्टार, ये कई सारे प्लेटफॉर्म जियो टीवी प्लस में आ चुके हैं। जियो कंपनी को 1,52,000 करोड़ इतना इन्वेस्टमेंट बाहर की कंपनी ने, मतलब बड़े बड़े कंपनी ने दे दिया है। वो कंपनी कौन सी है, उसके बारे में कुछ आपको बातें शेयर करने वाले हो। सबसे बड़ी कंपनी मतलब गूगल, गूगल ने जियो के लिए 33,767 करोड़ इतना इन्वेस्टमेंट किया है। और गूगल और जियो मिलके एक एंड्रॉयड फ़ोन भी निकालने वाले, आगे जाके एंड्रॉयड फ़ोन भी लॉन्च होने वाला है। सेकेंड, मतलब फेसबुक ने 44,000 करोड़ इतना इन्वेस्टमेंट जियो के लिए दिया है, मतलब फेसबुक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट रहेगा जियो के लिए। और थर्ड, मतलब कॉलकॉम और इंटेल उन दोनों ने 1,900 करोड़ इतना इन्वेस्टमेंट जियो के लिए दे दिया है। और जियो ने जियो मार्ट करके एक पोर्टल लॉन्च किया है, मतलब ऑनलाइन शॉपिंग के लिए जियो मार्ट पोर्टल लॉन्च किया है। सो टेक्नोलॉजी के बारे में, चाइना बहुत आगे निकल चुका है, उनका 5G नेटवर्क वर्ल्ड वाइड फेमस है, लेकिन कोरोना की वजह से इंडिया ने बहुत सारे एप्लीकेशन बैन किए चाइना के, टिकटॉक, इतने बड़े बड़े एप्लीकेशन, उसके साथ 59 भी ऐप बैन कर चुके हैं। उसके साथ अमेरिका, यूके, कई सारे चाइना के प्रोडक्ट बैन कर रही है, उसके वजह से वहाँ का इन्वेस्टमेंट, और इसके वजह से बड़े बड़े जो इन्वेस्टर है वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, तो इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, बड़े बड़े कंपनियों का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ रहा है इंडिया में। लेकिन ये सब इन्वेस्टमेंट हम लोग के लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं, वो क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि जब जियो इंडिया में लॉन्च हुआ था तब अच्छा खासा स्पीड दे रहा था, अच्छे खासे ऑफर्स ला रहा था, इसलिए सब लोग जुट रहे थे जियो के लिए, क्योंकि क्वालिटी मेंटेन अच्छी कर रहा था जियो। लेकिन अभी का समय ऐसा है कि जियो का नेटवर्क ही नहीं है, जियो का स्पीड ही नहीं है, ये सब बातें बाहर आ रही है। मैंने भी जियो सिम लिया था, लेकिन पहला अच्छा स्पीड आता था, मतलब अच्छी ब्राउजिंग होती थी, अच्छा खासा स्पीड मेंटेन होता था, अच्छी क्वालिटी होती थी, अच्छे ऑफर्स निकलते थे। लेकिन अभी का समय ऐसा है कि नेटवर्क भी नहीं आता, ऊपर से स्पीड भी बहुत कम है, इसलिए मेरे को दूसरा सिम कार्ड लेना पड़ा वो स्पीड की वजह से। अभी स्पीड ही नहीं जियो सिम कार्ड के लिए। तो अभी आगे जाके अभी फिर 5G नेटवर्क लॉन्च हो रहा है, उसमें कुछ सुधार होने वाला है कि नहीं कुछ पता नहीं।
तो देख लेते अगर आगे सुधार हुआ तो कंटिन्यू कर लेते जियो सिम कार्ड, नहीं तो मेरे को निकालना पड़ेगा जियो सिम कार्ड, क्योंकि नेटवर्क नहीं है, ऊपर से स्पीड भी नहीं है, तो क्या करे। बाकी सब कंपनी अच्छे खासे स्पीड दे रहे हैं, तो इस सिम कार्ड में कंटिन्यू करके कुछ फ़ायदा ही नहीं है। तो आप लोगों को जियो सिम कार्ड के बारे में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो स्पीड के बारे में, क्वालिटी के बारे में, को नीचे कमेंट करके मुझे बता देना। तो आप लोगों को कैसा प्रॉब्लम हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, स्पीड नहीं मिल रहा है, क्या मिल रहा है, क्योंकि मेरे घर पे तो मुझे कुछ भी स्पीड नहीं मिल रहा है, तो मुझे कमेंट कर देना। बाकी सब इतना ही जियो के बारे में न्यूज़ थे तो आप लोगों को बताना चाहता था। तो बाकी सब नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी चीज़, ऐसे कुछ बातें आप लोगों से शेयर करूँगा। तो आप लोग मेरा वीडियो, मेरा चैनल देखते रहो और सब्सक्राइब करते रहो। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल पे, और कमेंट ज़रूर करना। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।